प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काश हम स्कूल जाते तो मैं ऋषि कपूर और नीतू सिंह को मिलने मिलता। ओए ऋषि कपूर और नीतू सिंह कौन है? गोगी तू रणबीर कपूर को जानता है? अरे उसके मम्मी पापा। और गोगी वो एक जमाने के सुपरस्टार थे। उनके जमाने में उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। क्या करूं, तू भी तेरे पापा की तरह अपने जमाने की बात कर रही है। फ्रेंड, इसे कहते हैं खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाना। ओके ओके, पहले हमारी गोकुलधाम की परंपरा के बारे में तो सोचो। कौन सी परंपरा? गोली, अभी नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि की कुछ तैयारी नहीं हुई है। लाइटिंग भी नहीं हुई अभी तक। हाँ यार, इसके बारे में भीड़ अंकल से बात कर रही होगी। ओए, वो नहीं भीड़ अंकल। चलो 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 चलो। भीड़ अंकल, भीड़ अंकल, भीड़ अंकल। क्या हुआ टप्पू से ना? हमें आपसे कुछ बात करनी है। देखो भाई, नवरात्रि के सिलसिले में कोई बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। अरे बाबा, मतलब इस साल नवरात्रि नहीं होगी? भीड़ अंकल, आपको बात तो करनी होगी। टप्पू, मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने लाइटिंग का ऑर्डर दे दिया है तो लाइटिंग लगने वाली है। माधवी ने पिछले साल के आरती के सारे बर्तन साफ करके रख दिए हैं, मैंने दांडिया निकाल कर रख दिए हैं और म्यूजिक सिस्टम भी रेडी है। इन शॉर्ट, नवरात्रि की सारी तैयारियां हो चुकी है। तालियां। वाह भीड़ अंकल, आप तो MBBS हो। अरे शिक्षक हूँ मैं, MBBS का? अरे भीड़ अंकल, MBBS मतलब मास्टर भीड़े, बेस्ट और सुपर। यस बाबा। मास्टर भीड़े बेस्ट। तालिया तालिया। वाह क्या बात है। हेलो पेमशम टीवी, जेठालाल गड्डा गड्डा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ मैनेजर, थैंक यू। यस हेलो सर, जेठालाल गड्डा गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोन मैं इसलिए किया, वो अपना वो 200 LCD का डिलीवरी मिल जाएगा ना एक हफ्ते में? हाँ नहीं, क्या वो 5-star होटल का ओपनिंग है, 15-20 दिन में तो ओपन हो जाएगा वो, तो इसका नहीं ऑर्डर कंफर्म ही है। कंफर्म ही है सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। आई एम थैंक यू। ओके थैंक यू। वाह इंग्लिश बोल के वट पड़ता है बाकी। नटू काका थैंक यू, आप ये डिक्शनरी लेकर आए हैं। सेठ जी, अरे आगे नटू काका, आइए आइए। मिल गया कैलाश भाई का पेमेंट? हाँ सेठ जी, पेमेंट तो मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ, पेमेंट गिर गया? नहीं नहीं, पेमेंट नहीं गिर गया सेठ जी, पेमेंट तो मैं संभल कर लाया हूँ। तो वो 5-star होटल द फ्लावर में 200 LCD के लिए हमने जो टेंडर भरा था ना। हाँ तो सेठ जी, मैंने मार्केट में से सुना है उसी ऑर्डर को पाने के लिए और भी कई पार्टियों ने टेंडर भरे हैं। अरे तो वो तो भरेंगे ही नटू काका, भरने तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये ऑर्डर हमको ही मिलेगा क्योंकि मैंने कम से कम भाव में टेंडर भरा है। और दूसरा क्या है, पूरी मार्केट में सबको मालूम है, ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर हथियाने में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की अथॉरिटी है। इसीलिए तो इस बार सभी पार्टियां चौकन्नी हो गई है। क्या मतलब? मतलब इस ऑर्डर को पाने के लिए सभी पार्टियां इस बार चाल चल रही है। कैसी चाल? वो पता नहीं सेठ जी।
क्या सब आधी आधी बात सुनकर आते हैं नटू काका आप। सॉरी सेठ जी। चलो एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके दुष्ट को मिल के आता हूँ। किसको? ओ, फाइव स्टार होटल का है ना प्रोजेक्ट मैनेजर दुष्ट भंडारी। दुष्ट नहीं सेठ जी, दुष्यंत। दुष्यंत? हाँ वो दुष्यंत। नहीं नहीं सेठ जी, दुष्यंत। दुष्यंत ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन देखिए उधर जाके उनके सामने दुष्ट मत बोलना, वरना वहीं पे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ नोटो काका, मैं उसका नाम ही नहीं बोलूंगा, भंडारी भाई ऐसा ही बोलूंगा। हाँ ये बात है सेठ जी, जाइए फतह कीजिए। फतह करने के लिए रास्ता तो दीजिए। डोंट वरी सर, 500 लोगों के स्टाफ की सिलेक्शन हो चुकी है और जो जो कंट्रीज के स्पेशल फूड आइटम्स हैं उनके A1 कुक्स का सिलेक्शन भी हो गया है। यस सर, नॉट टू वरी सर। ऑलराइट सर, टेक केयर, बाय बाय। अरे जेठालाल जी आइए बैठिए। जी भंडारे साहब कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं इधर बाजू से गुजर रहा था तो मैंने बोला चलो भंडारी साहब को सलाम मारता चलो। और जेठालाल जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस खास तो कुछ नहीं, मैं बोला जरा भंडारी साहब को रिक्वेस्ट करूँ थोड़ी दया भाव रखना है? और ऑर्डर तो मुझे ही मिला था ना। देखिए इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता जेठालाल जी, क्योंकि कई कंपनी से टेंडर भरे हैं। भंडारी साहब आप जानते हैं ऑर्डर पाने के लिए पिछले 6 महीने से मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना धक्का खाया मैंने आपके पास। हर साइज का हर ब्रांड का LCD मैंने आपको दिखाया, उसमें से आपको बेस्ट ब्रांड का LCD TV पसंद आया तो वो मैंने आपको रीजनेबल में रीजनेबल भाव करके दिया। आपके हेड ऑफिस ने जो भी मुझे वो डिटेल मांगा कुरियर से या ईमेल से मैंने सब भेजा, और अभी आप बोल रहे कि ये तो बराबर नहीं है ना। देखिए जेठालाल जी, मैं जानता हूँ कि आपने काफी मेहनत की है, आपका काफी वक्त भी गया है, थोड़ा बहुत खर्चा भी हो गया है। हाँ वही देखिए, अभी फुल थाली मैंने जमाई, अभी खाने के लिए दूसरे आके बैठ जाएंगे तो ये तो बराबर नहीं है ना। और मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को इसमें से एक नया पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे घर में 23,000 में पीस पड़ रहा है, मैंने आपको 23,500 का भाव दिया बराबर, अब यो 500 रुपया में हेल मजूरी ट्रांसपोर्ट गोडाउन का भाड़ा वो सब, तो मेरे पीछे कुछ नहीं छूट रहा। मैं यह प्रॉफिट के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो हमारा और आपका बिजनेस रिलेशन बने एक शुभ शुरुआत हो, बस यही मेरा हेतु है, पैसा तो आगे कमा लेंगे। जेठालाल जी मैं जानता हूँ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ऑर्डर आप ही को मिले, आप एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन हो। ऑनेस्ट मतलब? सच्चा, ईमानदार, प्रमाणिक। बिल्कुल बिल्कुल, देखा दूसरी कंपनी वाले 2 या 3 साल की वारंटी या गारंटी देते हैं, लेकिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का या जेठालाल गड़ा, मेरी दुकान से अगर कोई कस्टमर वहाँ लेके जाता है 10 साल के बाद भी अगर वो आता है कोई कंप्लेंट लेके, तो वो कंप्लेंट मैं सुनता हूँ और उसकी कंप्लेंट का वाजिब एकदम बराबर न्याय मिले ऐसा पगला भरता हूँ। आई नो जेठालाल जी, आई नो। नहीं नहीं नो नहीं, यस बोलिए आप, यस। देखिए जेठालाल जी, यस बोलना मेरे हाथ में नहीं, जिस कंपनी का सबसे कम कोटेशन होगा हेड ऑफिस उसी को यस बोलेगी। मतलब मुझसे भी किसी ने कम कोटेशन भरा? देखिए ये मैं आपको नहीं बता सकता, बट पर्सनली स्पीकिंग जेठालाल जी, ये ऑर्डर मिलने की ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। मगन, नाके पे वो रेकड़ी वाला है ना, उधर से गर्मा गर्म 2 वड़ा पाव लेके आ, चटनी एक्स्ट्रा। जी सेठ जी, आप वड़ा पाव खाएंगे? सेठ जी मिला है दुष्यंत भाई से। सेठ जी आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कहा दुष्यंत भाई ने? उन्होंने बोला कि इस बार शायद ये ऑर्डर हमको नहीं मिलेगा। क्यों?
पता नहीं। आपने उनको दुष्यंत भाई के बदले दुष्ट तो नहीं बोल दिया? तो फिर ना क्यों बोल दिया? सेठ जी, आपने उनको कहा नहीं कि इस ऑर्डर को पाने के लिए आपने पिछले 6 महीने से कितनी मेहनत की है? इस ऑर्डर के पीछे आपने कितनी उम्मीदें लगा रखी है? मार्केट में पता चल जाएगा, सब हंसी उड़ाएंगे। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ उस होटल पे केस ठोक दीजिए। अब जाओ बाहर, दुकान में जाकर बैठो। जाओ, क्या करूँ दुकान में बैठ के? सवेरे से एक भी कस्टमर नहीं आया। अरे तो रास्ते पे जाओ और कस्टमर को पकड़ पकड़ के दुकान में लेके आओ और बोलो टीवी खरीदो, एसी खरीदो, कुछ करो। जाओ इधर, मेरा दिमाग मत खाओ खड़े रह के। ये क्या है? भजन। आप भजन सुनिए, दिमाग शांत हो जाएगा। जड़ा भाई, अरे हो जड़ा भाई, अरे इतने प्यार से बुला रहा हूँ, मेरी तरफ देखो तो सही। क्यों देखूं? तू क्या ताजमहल है? काम कर अपना। जिठा भाई को क्या हो गया? तो इधर दिमाग ठिकाने पर नहीं है, प्यार से बुला रहा हूँ, देखते जाओ। नहीं देखना है भाई, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मैं तुझे मालूम है कि नहीं, आज गोकुलधाम सोसाइटी में ऋषि कपूर और नीतू कपूर आए थे, मैं उनके ऊपर मैं एक बढ़िया आर्टिकल। जेठालाल, अरे जेठालाल, ओ भाई, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम रुक भी नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो। क्या है? ये मैंने तुम्हारी दुकान से ये मोबाइल खरीदा था ना, और उसके साथ ये कवर भी तुम्हारी दुकान से ही खरीदा था, तो ये मोबाइल के कवर की सिलाई जरा निकल गई है। क्या हूँ? ओ भाई हूँ क्या? क्या हूँ क्या? ये मोबाइल का कवर तुम्हारी दुकान से खरीदा है, इसका क्या करना है उसका जवाब दो। तुम व्यापारी लोगों का ऐसा ही है, एक बार माल बेच दिया, पैसा अंदर किया, आगे उसके बाद पोपटलाल, मोबाइल की वारंटी होती है, मोबाइल के कवर की नहीं। फिर भी कल दुकान आना, दूसरा कवर दे दूंगा भाई। ये जेठालाल, मेहरबानी कर रहे हो वैसे बात मत करो। तुम्हारी दुकान से लिए हुए मोबाइल का कवर अगर खराब निकला है ना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नया कवर मुझे लाकर दो। नया दुकान नहीं आने वाला। जेठालाल बाहर निकलो, बाहर निकलो जेठालाल। काय झालं, का ओरडतो तो यार? वो जेठा भाई ने पोपट भाऊजी का छाता तोड़ दिया। अरे बाप रे, अरे मैं कहता हूँ बाहर निकलो जेठालाल। अरे जेठालाल, मैं कहता हूँ बाहर निकलो। लगता है पोपट भाई आपको बुला रहे हैं। बुलाना दे उसको। अरे मैं कहता हूँ बाहर निकलो जेठालाल, बाहर निकलो। पोपटलाल शांति। अरे शांति तुम रखो, मेरे बेजुबान छाते पर जानलेवा हमला हुआ है, आज मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को हिला दूंगा। चूहे की तरह घर में छुप के क्या बैठे हो? अरे हिम्मत है तो बाहर आओ, निकलो बाहर। ये पोपट भाई आपको ऐसे क्यों बुला रहे हैं? ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे ओ जेठालाल, अरे हिम्मत है तो बाहर आओ,
पोपटलाल क्या चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? यार तुम जानते नहीं हो मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे जैसे सीधे साधे पत्रकार के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में गुंडागिरी हुई है। काय बोलते हो यार, क्या चिल्लाना बंद करे पोपटलाल। नहीं करूंगा। सुनो 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 गोकुलधाम वासियों, इस पत्थर दिल जेठालाल ने मेरे बेजुबान निर्दोष भोले भाले छाते की हत्या की है। उसने तेरे छाते को तोड़ दिया। अभी तो सिर्फ तेरे छाते को तोड़ा है, दूसरी बार तुझे तोड़ दूंगा। अरे जेठालाल मुझे तोड़ते तो एक बार के लिए चल जाता, लेकिन मेरे छाते के साथ ये सुलूक मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अरे पहले अपना वजन भारी कर। 40 किलो वजन है, 400 किलो का गुस्सा कर रहे। जेठालाल अपनी जुबान को लगाम दो। पप्पू के पापा शांत रहिए। अरे तू शांत रहे। अरे पप्पू की हो गया, अब पुरानी गड्डी की तरह क्यों जोर जोर के छोले खा रहे यार। सॉरी, इस जेठालाल ने मेरे छाते को तोड़ दिया। अरे जेठालाल अब तो इस गोकुलधाम सोसाइटी में रहना ही कैंसिल करना होगा। अरे आज मैं पूरी सोसाइटी के सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैं आज से बल्कि इसी वक्त से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते कैंसिल करता हूँ। और तुमसे बात तक नहीं करूँगा। ये बोला है तभी याद रखना जिंदगी भर। आइंदा कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुझे कैंसिल कर दूंगा। अरे बेटा अंदर जा। अरे बाबूजी यार। बेटा जा बाबा जा। जा जा अंदर जा। गोकुलधाम सोसाइटी में जो चाहे वो कम है। अब देखिए ना, मेरे परम मित्र जेठालाल बिल्कुल गुस्से में है। अब्दुल को झाड़ दिया, पोपटलाल का तो छाता ही तोड़ दिया। अब आप सोचिए ना, अपना जीवन साथी मानने वाले छाते का जब इस तरह का हाल देखेंगे पोपटलाल तो क्या होगा। लेकिन जेठालाल इस वक्त बिल्कुल जंगल की आग की तरह भड़क चुके हैं और एक दंगल का माहौल हो गया है गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई आदमी जब अपने काम धंधे की परेशानियां साथ लेके घूमता है तो जिंदगी की बांसुरी बेसुरी हो जाती है। इसलिए किसी ने बहुत ठीक कहा है, जब आप घर में आओ तो अपनी परेशानियां घर के बाहर चप्पल की तरह उतार के आओ तो घर का वातावरण बहुत साफ सुथरा और पवित्र रहेगा। लेकिन इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में बेहद हंगामेदार माहौल है। अब देखिए कि ये झगड़ा क्या रूप दिखाता है, क्या होता है आगे। हमेशा कैंसिल बोलने वाले पोपटलाल का क्या हाल होगा, जेठालाल की ये गुस्से की आग और भड़केगी तो गोकुलधाम में क्या क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना झगड़ा इतना हंगामा तो उसमें से निकलेंगे बहुत सारे ठहाके आपके लिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.